दिल्ली के शाहीन बाग वांग बेंगलुरु के बिलाल बाग विच भी मोदी सरकार के नागरिकता सोध कानून NPR अते NRC खिलाफ पिछले करीब दो हफ्तों तो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते दिन इस धरने प्रदर्शन दौरान माहौल उस समय खुशनुमा अते साजगार हो गया जदों बेंगलुरु के सिखा ने हिस्सा लिया अते बेंगलुरु सिख यूथ के मैंबरों वालों शब्द कीर्तन किया गया अते इस दौरान सद्भावना अते शांति का संदेश दिता गया। इस दौरान बेंगलुरु सिख यूथ के मैंबर नवनीत सिंह ने दस्सिया कि पिछले कुछ दिनों तो उन्होंने इस धरने विच सिखां दी मौजूदगी नहीं पाई सी अते उन्होंने गैर मुसलमान लोगों की घाट भी रड़क रही सी, इसलिए इत्थे प्रदर्शनकारियों का समर्थन करन पहुंचे। इस दौरान अमरीन सैयद नां दे प्रदर्शनकारी ने कहा है कि शब्द कीर्तन नाल धरने वाली थां ते माहौल बहुत ही खूबसूरत हो गया सी। उन्हें कहा है कि उन्हां दी इह दिल्ली इच्छा है कि वध तो वध लोग इत्थे गुरबाणी सरवण करन पहुंचण, क्योंकि धरने दौरान बीते दिनी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की हुई कुटमार तो बाद सारिआं विच बहुत रोस अते निराशा सी, पर हुण सारे काफ़ी खुश हन, माहौल शांतमई है अते भाईचारक सांझ दा संदेश दिता जा रहा है। तां दस दईए कि इस तों पहलां दिल्ली दे शाहीन बाग धरने दौरान भी सिखां अते खास करके पंजाबी किसानां वल्लों लंगर की सेवा की जा रही है। ग्लोब एडवाइस ओवरसीज एजुकेशन ते इमीग्रेशन कंपनी हैगी है, सानू 35 साल का एक्सपीरियंस है। असी बच्चों नू उन्हां दे प्रोग्राम सिलेक्शन ते स्कॉलरशिप्स विच हेल्प करने हैं। असी बच्चों नू अप टू 50 लाख तक स्कॉलरशिप्स लैके दित्तियां हुई ने। असी बच्चों के वीज़ा LORs SOPs हेल्प करने हैं ते पोस्ट लैंडिंग सर्विसिज विच एयरपोर्ट पिकअप ते उन्हां दी टेंपरेरी अकोमोडेशन का इंतजाम भी करने हैं। जेकर तुहानू साडा इह उपराला चंगा लगा है तां इसनू लाइक करो, शेयर करो अते साडे यूट्यूब चैनल नू सबसक्राइब करो।